जब आपको सर दर्द होता है तो शुरुआत में आप ऑर्डिनरी पेन किलर्स लेके रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब बार बार ये होता है तो आपको डॉक्टर को देखना ज़रूरी है। और इसमें आपकी सावधानी यहाँ होना मांगता है कि हर एक मरीज़ जनरली ये सोचता है कि उनके आँख के वजह से उनका सर दर्द है। ये एक प्रकार की गलतफहमी है। आँख के वजह से या साइनस के वजह से सर दर्द होना बहुत कम प्रतिशत लोगों में होता है। तो दिस इज़ एन ओवर डायग्नोस्ड कॉज ऑफ हेडेक। जनरली यू शुड रियलाइज दैट आपका आँख का नंबर के वजह से ये बार बार सर दर्द जो आपका लाइफस्टाइल को डैमेज करता है वो सर दर्द उतना सीवियर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो अनेक प्रकार के चश्मा पहनकर नंबर बदली किया है फिर भी सर दर्द नहीं जाता है, साइनस का पंक्चर हुआ है फिर भी सर दर्द नहीं जाता है, ये बोलकर आते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे तो अक्सर ये माइग्रेन निकलता है। और दूसरा, माइग्रेन की डायग्नोसिस के साथ साथ आपका डॉक्टर ये भी जांच करेंगे कि आपको स्कैन की ज़रूरत है या दूसरा प्रकार की दर्द है या नहीं करके, और वेरी स्पेसिफिकली आपको पेन किलर्स रेगुलरली लेना गलत है और आपका हेडेक का मूल कारण आपको पता करके फिर उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट जांच कराना ज़रूरी है और इलाज कराना ज़रूरी है, तो फिर आपको होलिस्टिक रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आप सिर्फ पेन किलर लेते जाएंगे तो उसके वजह से भी आपका हेडेक बढ़ सकता है। पेन किलर्स लॉन्ग रन में बहुत डैमेज कर सकता है, स्टमक के लिए ठीक नहीं है और कभी कभी किडनी का भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये सावधानी लेना है कि रेगुलरली वही दवा बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप से लेना एक प्रकार की गलत चीज़ है। दांत के वजह से भी सर में दर्द हो सकता है और इम्पैक्टेड विजडम टूथ जो बोलते हैं या दांत में इन्फेक्शन होने से, क्योंकि नर्व सप्लाई आपका दांत एरिया और आपके साइनसेस और आँख ये सब का नर्व सप्लाई कॉमन होने के वजह से आप अक्सर देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स में कहीं भी आपको बीमारी होने से सर में दर्द होने की संभावना होती है, लेकिन वो प्रकार का दर्द अलग रहता है। तो इसलिए उसका पहचान करके दांत की जांच करा के जो दांत में बीमारी है उसका इलाज करने से वो सर दर्द निकलेगा। लेकिन ये सोचना गलत है कि हर एक सर दर्द आँख के वजह से या दांत के वजह से या साइनस के वजह से है, ये गलत सोच है। तो इनका जांच कराना ज़रूरी है, लेकिन इसके वजह से जो सर दर्द होती है वो बहुत कम प्रतिशत पेशेंट में होती है।